अच्छा जी, अच्छा लागे दिखाओ ना आप। ले लिया हमने, ले लिया, पैसे आपको दे देते हैं। मैंने कहा पैसे आपको दे देते हैं, चला के दिखाओ हमें। अली भाई यार सोच रहा है लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही, रुक के चल यार, फिर एक मिनट लगा के चक्कर आते यार, करा ले इतनी हो गया ना, जनरेटर चल रहा हो चक्कर आ रही है, चेक कर ले यही ना उड़ जाए, यही पे पड़ी होगी यही पे हैं। इसकी कोई वारंटी भी होती है कि नहीं, कोई वारंटी भी होती है कि नहीं इसमें? नहीं, इसका खराब बल्ब होते हैं, दो बल्ब ना तीन चार बल्ब अक्सर रख लेगा ना घर में, जैसे कोई बल्ब खराब हो इनक्यूबेटर ले लिया यार हमने, अभी अंडे भी लेने हैं और अपनी कुबली और जो हमारी लैला है ना वो भी अंडे देने शुरू हो गई, उनके अंडे जो है ना इसमें रख के तो बच्चे नहीं खुआएंगे और चस आ जाएगी और मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी चेक करो है आपने, इधर ना काउंटर मार्केट में तीन दिन हो गए यार लाइट नहीं आ रही, सारे दुकानदार जो है ना परेशान बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से तो जो कस्टमर आते हैं वो परेशान होते हैं, उनको चीज़ें वगैरह चेक करवाने में जो है ना वो मुश्किल आती हैं। तो अभी ये जो ये वाला जो है ना हमने इंक्यूबेटर ले लिया हुआ है, इसमें जो है ना 50 अंडे आ जाएंगे यार। ये लगाना यार, एक मिनट लगा दे यार, कहाँ लगाना है यार मुझे बताओ कहाँ लगाना है, अभी वो लगाएगा आपको पता है काम पे, बताओ यार काम पे, अभी तो इधर लगवानी है, पीछे लगा दो पीछे, आज के लिए ना जाल इतनी काफ़ी है। चलो बस ठीक है, इसका टेम्परेचर वगैरह भी सेट करना पड़ता है, पंखा चेक करने टेम्परेचर सेट है इसका, टेम्परेचर नहीं छोड़ना, टेम्परेचर सेट है। हाँ जी बस ठीक है, ये पंखा चल रहा है भाई कह रहा है, और लाइट प्रॉब्लम की वजह से जो है ना कंप्लीट नहीं चेक करवा सका। चलो ठीक है यार, यार मैं घर आ गया हूँ और हमारा इंक्यूबेटर जो है ना अभी जो है ना मौसम बड़ा ख़राब है, अभी सिर्फ जो है ना मैं इनको दाना डालूँगा क्योंकि दोपहर के 2 बज गए जो है ना, मैंने सुबह से इनको जो है ना दाना नहीं डाला, इंक्यूबेटर लेके हम आ गए हैं, इसको अभी सेटिंग करते हैं, लाइट गई हुई है और इनको पहले खोलते हैं। बढ़िया यार, सर्दी बड़ी है यार, एक जो है ना हमारा डैनिश वो कल मर गया, मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम पेयर लाए थे ना लेकिन हमें पेयर नहीं मिला, वो जो हम दो लाए थे ना पूरा पेयर ही लाए थे लेकिन वो मुझे परसों ढीला लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मर जाएगा, सर्दी लग गई थी उसको, इसी वजह से जो है ना तकरीबन 10 दिन हो गए यार, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना कि बस जितना झूठ बोला जाए, ऊपर नहीं खाना यार, ज़रा बादल ज़बरदस्त किस्म के बादल हैं और इस वक्त टेम्परेचर जो है ना हमारा इधर लाहौर का, इस वक्त जो टेम्परेचर है ना यार हमारा लाहौर का वो सिर्फ 5 सेंटीग्रेड है, और यकीन करें इतनी सर्दी है ना मुझे अपने पेट्स खोलते हुए डर लगता है कि यार मेरे पेट्स जो है ना बीमार ना हो जाएंगे, देखो ये कैसे फूल के बैठे हैं, कोई दाना डाल दूं मैं, ये रहे। इनको दाना ना यार अंदर ही डाल दे, तू भाई आ भाई भाई ये डाल दे, और एक काम यार और करना है मैंने आज, हमारा ये वाला जो हम फीमेल लाए थे ना ब्राउन वाली, वो जो बैक फ्रिज वाली थी ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ ये इसके साथ का ये वाला जो मेल है
ये मेल और वो वाली फीमेल। ये वाली फीमेल, इन दोनों को जो है ना वो लैदा लैदा रखते हैं। इधर आ यार, इधर इधर लाओ। इनका पैर लगाने के लिए ना मैं इस तरफ लेके आया हूँ इनको, ताकि इनका जो है ना पैर बन जाए। ये इधर से तो जानी नहीं है, इसको खोलना पड़ेगा ऐसे। ये मेल फीमेल है। तो यार अब जो है ना क्लियर नज़र आया, मैंने इन दोनों को इधर बंद कर दिया है, इनका पेड़ जल्दी से बन जाए और इनके जो है ना अंडे भी आएँ और बच्चे भी आएँ। और ये जो है ना सर्दी की वजह से हर जो हमारा परिंदा है ना वो तंग होकर बैठा हुआ है। ये दोनों पेड़ इधर ही हैं, इनको जो है ना अभी मैंने इनके के जो है ना बॉक्स वगैरह नहीं लगाए। जैसे बॉक्स लग जाएंगे ना फिर ये इंशाल्लाह अंडे देने शुरू हो जाएंगे। अभी हम जो है ना हम अपने इंक्यूबेटर को देखते हैं हमारे पास अंडे कितने हैं। दो ये पड़े हैं हमारी डक के अंडे, और एक जो है ना इधर रखा हुआ है अलीम ने, ये पड़ा है। ये तो सिर्फ हो गए तीन अंडे, ठीक है, ये हो गए तीन अंडे टोटल। और कम से कम जो है ना मैं 10 अंडे जो है ना अपनी ना, तो यार ये अंडे दे रही हैं हमारी क्या इसको बोलते हैं ये बादामी, ये भी अंडे नहीं दे रही। और वो जो है ना क्या इसका नाम था मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल बबली, ये भी अंडे नहीं दे रही। तो पिजन जो है ना मैंने उधर बंद कर दी है। वो ये वाला पिजन बंद करना था, ये देख यार ये कैसे घुटक रहा है। ये दे उसको निकाल, इसको उधर बंद कर देते हैं। हाँ ना जरा तू किसके साथ है इधर, जिसके साथ लग गई ना ये। ओए ये भी तो दिखाना था मैंने आपको, ये देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो रहा है, ये फुल हाइट पे आ गया अपने फुल हाइट। ये कैसे गुस्सा चढ़ता है इसको। आ ना जरा तू इधर आ, इधर आ इधर 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 आ। मुझे आगे करना पड़ेगा इसे। इसको इधर बंद करना पड़ेगा, मैंने तो इसको देखा ही नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना, वो गुटक गूँ नहीं कर रहा, ये गुटक गूँ करेगा। क्योंकि ये हमारे पास दोनों मेल आ गए थे, ये दोनों मेल आ गए थे, फिर ये फीमेल जो है ना मैं काफ़ी दिन पहले संडे बर्ड्स मार्केट जो असील लारी अड्डा मंडी है ना वहाँ से लेके आया था। अब दोबारा हमारा जो है ना इंक्यूबेटर पे ही काम आ गया है कि इंक्यूबेटर जो है ना उसको सेट करना है, और लाइट कोई नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। यार तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, पेट्स मैंने जो है ना अपने खोले हुए हैं, और जैसे ही इनका दाना पानी 10-15 मिनट में कंप्लीट होता है ना मैं इनको बंद कर देता हूँ, क्योंकि इंक्यूबेटर लेके आए हैं। इंक्यूबेटर की जो है ना हमने भी सेटिंग करनी है, उनको भी दाना डाल देता हूँ। ओए तू कहाँ पे गया हुआ है। ओए यार ये बहुत तंग करने लग गया है, ये अभी नया नया जवान हो रहा है। ये देखो ये बंद नहीं होता, इतना उल्लू है। तो उसको जो है ना उस तरह जो है ना दाना डाल देते हैं। इधर से मैं ये पकड़ लेता हूँ दाना लेंगे। ये ले खा लो। ये तुझे मारता है ये यार, इसके तो ये जख्म हुआ हुआ है ना, ये तेरे जख्म हुआ हुआ है ना, ये तुझे मारता है। वो वाला जो है ना इसको मारता है और इसको सिम्बा मारता है, ये एक दूसरे से बदला पूरा अपना कर लेते हैं। चलो खाओ खाओ खाओ। ऊपर यार आप ना देख लो कि मौसम कैसा है, ठीक है, बादल ही बादल हैं, धुंध ही धुंध है,
मतलब फोक टाइप भी है और धुंध भी है और सर्दी कड़ाके की है। और नीचे देखो आप कि इनका नहाने का दिल कर रहा है, इनको गर्मी लग रही है, सैयदजाद को गर्मी लग रही है। हैं बटेर भी यार तीन ही रह गए हमारे पास, बटेर हम जो है ना वो लेके आएंगे। फीमेल एक है हमारे पास और दो मेल हैं और पता नहीं ये कब ब्रीडिंग शुरू करेंगे। बाबा हाँ जी, ये कोई नीचे से देख रहे क्या है ये? ये तो वो है, वो बॉम्ब्स मंगाए थे हमने यार, ये ड्राई बॉम्ब्स आ गए हमारे। हैं दिखा हास का ये उनको डाले, इधर आ मुर्गियों को डालते हैं, इनको डाले तो ये तो एक सेकंड में ख़त्म कर जाएंगे। हम चपका के इनको डालते हैं और हाँ ये तो खाते हैं, ये तो गीले कीड़े भी खा, जो ताज़ा होते हैं वो उड़ने वाले वो भी खा जाते हैं। ये तो ये हाँ ये देख, ये जो हमारे बेंटम है ना ये बहुत शौक से खाते हैं। अब कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं, अंदर आ रहा है। आ जा जल्दी से, चल ये कैमरा पकड़, इधर आ ना, इस तरफ खोलता हूँ। यार ये तो बड़े कॉस्टली हैं, हैं ये 300 रुपए के इतने से हैं, ये देख मतलब थोड़े $1 तकरीबन। ये तो नहीं मुझसे खोल रहा, ये कैंची से खुलेगा। अब देसी जुगाड़ लगाते हैं। बेटा आप पीछे हो जो, ये आपको ना पहचानता है, मिट्टी कर दी। ये देखो यार दिखा करीब करके, ये इनको डालते हैं। ये लो भाई खाओ, पता नहीं ड्राई खाते हैं कि नहीं खाते, तो मैंने तो डाल दिए, ये लो खाएंगे तो सही। ये देख आई है ना, ये तो इनकी जो है ना पसंदीदा जो फीड है ना इनकी, ये वो है, ये खाएंगे जरूर, लेकिन हमारे सामने नहीं खा रहे है ना आज तक। चल तो भाई रो, मैं इनको देखता हूँ, देखता हूँ। ये आ गया, ये देखो, ये देखो खाने शुरू हो गए, ये देखो। अच्छा ये डर भी रहे हैं कि ये ना हो कि ये जिंदा हो, जिंदा होने की वजह से ये नहीं खा रहे। तो जिंदा हो या ड्राई हो या मरे हुए हो तो खा ले यार। मैं तेरी वीडियो बनाऊँ और जाके जो है ना पेट्स में अपने बंद करूँ, वो बाई निकाल के खा रहा है उसको, वो सोच रहा है शायद जिंदा है ये, इसी झिझक में जो है ना ये खा रहा है, तो पता नहीं ये जिंदा ना हो। ये देखो डर डर के नहीं, जैसे शिकार करते ये वैसे खा रहे हैं। तो यार इतनी शदीद सर्दी में ना मैंने इनको दाना वगैरह खिला दिया, पानी डाल दिया मैंने, अब हमारे जो अंदर वाले बर्ड्स हैं ना अब उनकी बारी है, उनको मैंने दाना डालना है और उनको पानी डालना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम इसको रखते हैं अंदर, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ना अंडे भी नहीं हैं, मुर्गियों के अंडे लेके आएंगे और कोशिश मैं करूँगा मोर और चकोर के अंडे भी मिलें, और जिस जिस के अंडे हमें टोंटल मार्केट से मिले ना ताज़े अंडे वो लेके आएंगे और वो इस इंक्यूबेटर में रखेंगे, फिर बच्चे निकलवाएंगे और फिर जो है ना हमारा पेट हाउस जो है ना वो कमाल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीलॉग जो है ना आपको कैसा लगा आपने राय जरूर देनी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीलॉग के लिए गुड बाय, अल्लाह निगहबान।